सामान लाया हूँ लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है ज़िया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम उस्मान कुरैशी, भी स्वागत हो गया आप सब लोगों का हमारे चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो हमारे जो मतलब सबके मोस्ट फेवरेट एमपी इमरान प्रताप गरी साहब की वीडियो है। 10th उर्स है मुफ्ती आज़म राजस्थान का, राजस्थान, ठीक है। तो भाई जोधपुर में हो रहा है, 2023 दिसंबर 28 की वीडियो है, लास्ट मंथ की, बल्कि नहीं उससे भी पहले की मंथ। तो भाई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। ये कोई सना जावेद है, उन्होंने लिंक सेंड की थी, तो भाई बहुत शुक्रिया उनका लिंक सेंड करने का। बिल्कुल इस पर रिएक्ट करेंगे, आप लोगों की जो जो फरमाइश होती है उस पर लाजमी रिएक्ट करेंगे। तो भाई पहले से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3, 2, 1 पिल्ले। कहा गया कि बिल्कुल गैर सियासी बात है, और हजरत का जो पूरा किरदार है, जो पूरी जिंदगी है, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा, मेरी पहली हाजिरी है, लेकिन उनके बारे में जितना जाना, जितना समझा मैं, उनका जो पैगाम है, जो इल्म का पैगाम है और जो मोहब्बत का पैगाम है, उस दोनों को जोड़ करके और मौजूदा जो हिंदुस्तान का माहौल है उसमें चार मिसरे पढ़ता हूं। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ीस से और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते गंगा में वजू करके। बहुत शुक्रिया, बड़ों की दुआएं मिली, बुजुर्गों की दुआएं मिली, और आखिरी चार मिसरे के, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ, खुदा पूछे महशर में के क्या लाया है दुनिया से, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान। क्या बात है, वाह 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 वाह। कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, लहद में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, क्या बात, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल, सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ, खुदा पूछे महशर में के क्या लाया है दुनिया से, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ, मैं कह दूंगा,
रूप पर ईमान लाया हूँ। सियासत से भले हूँ लेकिन पहले शायर हूँ। जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, जिसका जिक्र बार बार इशारे इशारे में हजरत ने किया, मैं आखिरी के चार मिसरे पढ़ता हूँ। कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। क्या बात है, वाह। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ईमान मेरे अंदर बारूद तो भर सकते हैं कि ईमान नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं यकीन जाने में सिर्फ हाजिरी लगा, बहुत बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा, थोड़ी सी रह गई, लेकिन आपका हुक्म हुआ तो मैं थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहा। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, चूंकि अगले प्रोग्राम के लिए जाना है। जबरदस्त यार, अनबिलीवेबल यार, बहुत 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 खूबसूरत नज़्म, बहुत खूबसूरत नज़्म, बहुत खूबसूरत नज़्म यार, क्लैपिंग यार, बहुत ज्यादा। महशर में अगर खुदा अल्लाह पूछेगा अगर महशर में कि क्या लाए हो, तो मैं कह दूंगी कि आपके महबूब का ईमान लाए हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत प्यारी बातें थी, बहुत खूबसूरत नज़म थी इनकी, एक और था, बहुत जबरदस्त नज़म थी इनकी, जलता हुआ बारूद भर दो बेशक मेरे अंदर लेकिन मेरा ईमान नहीं ले सकोगे तुम। बहुत प्यारी बातें थी भाई, बहुत नज़म थी। देखे जाए तो भाई इमरान प्रताप गरी की जितनी भी नज़में होती हैं वो व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, क्योंकि इनकी नज़म के अंदर एक ऐसा टैलेंट है, ऐसी बातें हैं, ऐसी सोच है कि भाई वाकई इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। देखिए ये जमात जिस जमात के हैं ना, ये मतलब जिस पार्टी के हैं, वो पार्टी भी इतनी बुरी नहीं है, वो पार्टी भी बहुत अच्छी पार्टी है, मतलब कांग्रेस जमात भी अच्छी है, ठीक है। मतलब मैंने बहुत सी अपनी वीडियोस में ये कहा है कि यार बीजेपी के अलावा अगर कांग्रेस और AMIM में भी इत्तेहाद हो जाए, मतलब इन दोनों में आपस में एक कह सकते हैं फ्रेंडशिप हो जाए, तो भाई ये दोनों भी बहुत अच्छी सियासत कर सकते हैं, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स चला सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी मुझे समझ आते हैं कि वाकई यार वो मतलब समझ आते हैं बिल्कुल, जैसे मतलब बीजेपी मुझे समझ नहीं आती लेकिन वो फिर मुझे कुछ बेहतर समझ आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ बात करते हैं MP इमरान प्रताप गरी साहब की, तो यार ये तो है ही मतलब मोस्ट फेवरेट। सो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इमरान प्रताप गरी की जितनी भी वीडियो होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत प्यारे मुशायरे करते हैं, कर रहे थे, ये इतनी अच्छी बोल रहे थे वर्डिंग मुशायरा में कि मैं कहती हूँ बस सुनते रहें, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। सो व्यूअर्स मिलते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो, बहुत ख्याल रखेंगे हम दोनों को, दीजिए इजाज़त, स्टे विद अस।